पिछले एक साल से ना मैं एक सुपर अट्रैक्टिव स्कीम में पैसे डाल रही थी, सोचा मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ तो जब मेरी बारी आई फंड उठाने की तो स्कीम चलाने वाले गायब। तू ये अट्रैक्टिव स्कीम्स का चक्कर छोड़ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डेफिनेटली हमने देखा कि सुहराना ने किस तरीके से अपने आप को कैरी किया था वर्ल्ड कप में या सीनियर टी20 ट्रॉफी में भी। पर सबसे जब तक हम अयोगा खाका और केट क्रॉस की बात करते हैं, बाकी बोलर्स की भी बात करते हैं, स्नेह राणा के को लेकर मैं आपके पास फिर एक बार आऊंगी आकांक्षा। उनकी परफॉर्मेंसेस तो रही है, बट जिस तरह का एटीट्यूड वो ग्राउंड पे लाती है, हम देखते हैं कि थोड़ा कामनेस उनकी गेम में नजर आता है और होप्स काफी आती है, बिकॉज हमको पता है कि अगर स्नेह राणा है वहां पे बॉल के साथ या बैट के साथ, समथिंग इज अप, समथिंग इज कमिंग। आई थिंक मैंने उनके साथ काफ़ी मैचेस खेले, अभी रिसेंटली रेलवेज के साथ भी हमारे प्रैक्टिस मैचेस थे और मेन मैचेस हमने खेले हैं, सो मैंने उनको देखा है बहुत क्लोज क्वार्टर से कि डेफिनेटली वो बहुत काम है एज ए कैप्टन। एंड आई थिंक उनकी जो बेस्ट क्वालिटी है कि उनको पता है कि वो एक यू नो सिंस वो कैप्टन करती है एंड शी इज़ अ लीडर हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड सेट्स एन एग्जाम्पल उनकी टीम के लिए, कि उनको पता है कि वो अपने प्लेयर्स से कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल पाए, उनकी ये डेफिनेटली एक खासियत है। एंड प्लस वो जब जाती हैं वो यूजुअली मिडिल ऑर्डर में जाती है, वो ऐसे नंबर पे जाती है कि इधर उनको गेम बनानी है या बिगाड़नी है, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर ऐसा नंबर है कि आप इधर जिता सकते हो या फिर आप यू नो क्रूशियल टाइम पे आउट हो जाओ तो आप हार भी सकते हो। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन वैसे बैट्समैन के लिए, तो ये ऐसे नंबर पे जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो वो इतनी कंसिस्टेंट रही है अपनी बैटिंग के साथ भी कि उन्होंने काफ़ी रन सिंगल हैंडेडली स्कोर किया है। इवन रेलवेज जैसी टीम जो जिनकी इतने गन टॉप ऑर्डर टॉप 4-5 है, फिर भी वो नीचे आके उन्होंने यू नो क्विक फायर 14 or 5 balls, 6 balls जो कि काफ़ी है एक स्पेशली T20 में, इतने 10 रन भी काफ़ी है या 12 रन भी काफ़ी है एक मैच जिताने के लिए। तो जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करती है, जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी आई थिंक काफ़ी लोगों को इंस्पायर करती है। यानी कि एडेड एडवांटेज भी है दीप्ति के लिए, सिंस दीप्ति भी एक कैप्टनसी में नहीं है बट स्नेह राणा एक उतनी ही कैप्टनसी में एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो इंडियन रेलवे जैसे टीम को ऑलरेडी लीड कर रही है इतने सालों से। तो आई थिंक वो डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा दीप्ति के लिए उनको टीम में रहने के लिए। एंड प्लस उनकी बॉलिंग भी वो जेन्युइनली जैसे ऑफ स्पिन करते हैं, वो उनका जेन्युइन ऑफ स्पिनर का एक्शन नहीं है, मतलब बॉल उनकी वैसे हमेशा अंदर नहीं जाती, वो बहुत सारे वेरिएशंस भी डालते हैं, तो उनको मारना क्वाइट डिफिकल्ट है। आई थिंक उन्होंने फर्स्ट गेम में जो खेला था 6 ओवर शायद डाले होंगे उनके डेब्यू इंडिया के लिए, और उन्होंने 4 मेडन डाले थे एक डेब्यू के लिए, उतना यू नो मेडन डालना इट्स अ बिग डील। तो आई थिंक ग्रेट एडवांटेज है वेलोसिटी के लिए, अगर ये अच्छी बॉलिंग करे और अपने प्लान और फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करे तो दे डेफिनेटली हैव अ चांस। आज एक बड़ा अपसेट देखने को शायद आज मिल सकता है। महारती जी, फैंटेसी अखाड़ा में विदेश जाने का भी चांस है। अब सुनो, हम आपको जाने देंगे, इतना सिखा दीजिए कि हम फॉरेन कैसे जाएंगे। This is sports का असली अखाड़ा। इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व हैं और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।